दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। लगाए थे परदेसी आके, तो तब से मेरा रिश्ता है और जब भी उनका बर्थडे होता है आज तक मैं उनका वो पैसे चुका नहीं पाई हूँ इसलिए उनके बर्थडे में आके मैं होर्डिंग्स के पैसे चुका रही हूँ और यू नो ही इज सच अ नाइस पर्सन और उनके हर हाँ बहुत सारी बर्थडे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये केसर जी प्लीज़ आइए, केसर जी हमारे हॉर्न और जसलीन के डैडी है। मैं अपने आप को ले आई हूँ बर्थडे के लिए, मुझसे अच्छे एक्सपेंसिव क्या गिफ्ट हो सकती है। लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं जो डोनेशन की जो पहल की है, लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं सोशल मीडिया में जी, तो लेकिन आप क्या कहना चाहिए? देखिए मैं आज बताना चाहती हूँ कि जब मैंने कहा था कि आई वॉन्ट टू डोनेट माई बुक्स, यू नो उसके पीछे एक रीज़न है कि शायद आपको पता नहीं है हॉलीवुड की बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने अपने ब्रेस्ट टिश्यूज जो है वो डोनेट करने वाली है और करेगी भी, तो मैं उनको फॉलो कर रही हूँ क्योंकि जो भी कैंसर पीड़ित वुमेन होती है जिनका ब्रेस्ट कैंसर होता है अगर उन्हें ब्रेस्ट टिश्यूज दिया जाए तो उनके बहुत चांसेस हैं उनके बचने के। तो शायद हॉलीवुड के लोग आके यहाँ बोलेंगे तो आप लोग वाह वाह करेंगे, है ना, बट आपकी अपनी राखी सावंत बोले तो आपकी नज़र सीधी इधर जाती है, वाई यू नो। हेलो गाइज, तो मैं भी एक सोशल वर्क कर रही हूँ और ये अच्छी बात है, कोई आई डोनेट करता है, कोई लंग्स डोनेट करता है, कोई किडनी, कोई कुछ न कुछ डोनेट करता है, एंड आई हैव डिसाइडेड टू डोनेट माई बुब्स टिश्यू, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं हमेशा कुछ अलग करती हूँ जी। मुझे बिग बॉस 12 बहुत पसंद है और अनूप जी और जसलीन की जोड़ी तो ऑसम है, मज़ेदार है, मैं रोज़ देखती हूँ और रोज़ उन्हें प्रमोट करती हूँ। जसलीन को तो मैं बचपन से जानती हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम आई थी, जब मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं पता था और डांस का डी भी नहीं पता था, तब मुझे केसर जी ने ब्रेक दिया था उनकी फिल्म में, तब जसलीन भी छोटी थी और मैं भी छोटी थी, तो मैं जसलीन को जानती हूँ, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत टैलेंटेड है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उन्होंने
देखिए डेफिनेटली अगर अनूप जलोटा जी कास्टिंग काउच करते तो उनकी अपनी मर्जी है ना, वो आप लोगों को पूछ के तो कास्टिंग काउच करेंगे नहीं और आप लोगों को पूछ के तो अपनी गर्लफ्रेंड रखेंगे नहीं, तो डेफिनेटली है अपनी उनकी अपनी मर्जी है ना। तो अगर मुझे बिग बॉस में जाने का मौका मिलता है तो सॉरी केसर जी बट मैं जसलीन से अनूप जी को छीन लूँगी। सर यहाँ आपका क्या टेक है, जसलीन ने क्या आपको बताया था जब बिग बॉस के घर में गई थी? नहीं, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि शिष्य एंड गुरु की जोड़ी के हिसाब से ये जा रहे थे, लेकिन वहाँ जाके ये क्या हुआ, कैसे चेंज आए, क्या स्ट्रेटेजी है, मुझे समझ में नहीं आया। मेरे लिए बड़ी शौकिंग देखिए ये पिता है, पिता तो अपने मुझसे कहेंगे नहीं ना, सबकी अपने अपने बेटी की अपनी मर्जी है, वो अपना लाइफ पार्टनर किसे चुनती है। एंड मुझे लगता है कि अनूप जलोटा जी बहुत सही इंसान है, पूरी सारी ज़िंदगी उन्होंने भजन गीत गाया है, तो अभी उनको इस उम्र में अच्छा प्रसाद तो मिलना चाहिए ना, तो जसलीन के रूप में अच्छा प्रसाद मिला है, भगवान प्रसन्न है उनसे। सर आपने कलर्स से बात की है, बोले कि आप काफ़ी गुस्सा, आपने इंटरव्यू दिया था काफ़ी गुस्सा थे, आपने कलर्स चैनल से बात की? मैंने बात की है, लेकिन इनका फॉर्मेट ऐसा है ना, शो का फॉर्मेट है, एग्रीमेंट हो जाता है, आप अंदर नहीं जा सकते, बात नहीं कर सकते, तो मुझे वेट करना पड़ेगा, जैसे बाहर आए वैसे बात होगी। तो शुरू में बहुत ही बैड रिएक्शन था, लेकिन अभी नॉर्मल हो गया। देखिए वो एक पिता है, लेकिन उनका हार्ट जो ब्रॉड है एंड बिल्कुल वो एकदम फ्रैंक पिता है कि उनकी बेटी की जो मर्जी है उनकी मर्जी उनकी मर्जी है, अगर उनकी मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ देखिए जसलीन का अपना दिल है, चाहे अनूप जलोटा जी पे आए या किसी और पे आए। अरे क्या बात है, असली स्टार तो यहाँ है, जसलीन के डैडी जो बिग बॉस में है ना, उनके डैडी, क्या बात है, वाह असली हीरो तो ये है। पहले तो मैं योगेश जी को हैप्पी बर्थडे कहना चाहती हूँ एंड आप जियो हजारों साल और ऐसी प्लीज़। मैंने कहा कि मैं जब आपने मेरा बिग बॉस का मेरा जब परदेसी का पोस्टर लगाया था हर जगह, आज तक मैं पैसे चुका रही हूँ बर्थडे में आपके। ही सच ए नाइस पर्सन एंड मैं बहुत विश करती हूँ और बहुत ही बधाइयाँ देती हूँ। और शिल्पा शेट्टी जी की क्या कहा था आपने, कहाँ पे? दिस इज रियली रेडिकुलस। शिल्पा शेट्टी शी इज़ अ सीनियर आर्टिस्ट बॉलीवुड में, और ऐसे सिर्फ कलाकारों का बैक क्यों चेक किया गया, यू नो ये तो ये अगर रूटीन है तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट स्पेशली उनका बैग चेक किया गया तो दैट इज़ रियली बैड, ऐसा नहीं करना चाहिए जी। डेफिनेटली मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो है उनके बैग ना चेक करें, उनको चेक करें, मतलब सेलिब्रिटी को खुद चेक करें उनके बैगों में क्या रखा है, जो हम में रखा है बैग में क्या रखा है, यू नो। थैंक यू कि अनूप जलोटा जी का जलोटा निकल जाएगा, सिर्फ लोटा ही रह जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ठीक तरह चल भी नहीं सकते तो कांड क्या करेंगे, है ना, कांड ही नहीं कर पाएगा इंसान तो लड़की कैसे रहेगी उनके पास। तो अरे ये थोड़ा नीचे तो रखो, तुम उधर मुंह कर क्यों हंस रहे हो, तुम मेरा कांड ना कर दो यहाँ। और अनूप जलोटा जी बहुत जल्दी विधवा हो जाएंगे, विधवा या रंडवा क्या बोलते हैं पता नहीं। राखी जी यहाँ देखिए, हम उधर छोड़ो मैम, यहाँ पे फोटो मैम मिलते से यहाँ पे राखी जी इकड़े कड़क कड़क फ्लैश क्या हो गया भैया, अरे फ्लैश बिग बॉस इस साल का बहुत ही अच्छा है, बिग बॉस 12 इज सो अमेजिंग, और मैं डेफिनेटली बिग बॉस 12 में जाना चाहूँगी, और स्पेशली अनु जलोटा जी की जो गर्लफ्रेंड आई है ओ माय गॉड, वो मेरे बचपन की दोस्त है, केसर मथारू की बेटी है, और जब मैं इंडस्ट्री में स्ट्रगल टाइम पे आई थी तो उनके डैडी ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, उसमें मैं लीड थी लफड़ा करके। तो केसर मथारू जी और जसलीन का मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, और मुझे लगता है कि
अनूप जलोटा जी का जलोटा निकल जाएगा, सिर्फ लोटा ही रह जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ठीक तरह चल भी नहीं सकते तो कांड क्या करेंगे, है ना, कांड ही नहीं कर पाएगा इंसान तो लड़की कैसे रहेगी उनके पास। तो अरे ये थोड़ा नीचे तो रखो, तुम उधर मुंह कर क्यों हंस रहे हो, तुम मेरा कांड ना कर दो यहाँ। तो मुझे लगता है कि अनूप जलोटा जी कांड नहीं कर सकते तो गर्लफ्रेंड टिकेगी नहीं जसलीन, और जो बिग बॉस में दूसरे जो हैंडसम डूड लड़के हैं वो जसलीन को उड़ा ले जाएंगे और उनके साथ में उनका अफेयर हो जाएगा। मुझे तो तीन चार पुलिस वाले पे बहुत निगाह है मेरी, और जो बॉडी बॉडी जय जय शिव समथिंग, और दूसरे तो दो सुशांत और दूसरे तो दो मैरिड है, पर क्या आजकल दुनिया में क्या फ़र्क पड़ता है, एक घर में बीवी एक बाहर वाली, तो जसलीन को तो सब उड़ा के लेके जाने वाले हैं। और ऐसे भी मैं अपने इंस्टाग्राम जो राकेश सावन 2511 जो इंस्टाग्राम पे मैं रोज़ बिग बॉस के बारे में बोलती रहती हूँ, और अनूप जलोटा जी बहुत जल्दी विधवा हो जाएंगे, विधवा या रंडवा क्या बोलते हैं पता नहीं। नहीं नहीं केसर मथारू जी से मेरी बात हुई है, और कल हम राज ठाकरे जी के प्रोग्राम में जा रहे हैं बैंड्रा और गणपति विसर्जन के लिए, और मैंने कहा है कि ऐसा नकारा नहीं है, हाँ जसलीन और अनूप जी का बहुत अच्छा टाका भिड़ा हुआ है, और एक्चुअली क्या ना एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि अनूप जलोटा जी जो है उनको पहले से 3 बीवियाँ भाग गई, और ऐसा कौन सा कांड करते कि 3 बीवियाँ भाग गई, वो शायद कांड नहीं करते होंगे इसलिए भाग गई। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो हर यंग लड़की को पीछे जाते ही है और हर लड़की से वो अफेयर करते हैं, और मैं सच कहती हूँ कि अनूप जलोटा जी अगर जसलीन चली जाए तो चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं आपके साथ कांड करूँगी, चिंता ना करना, पूरा कांड। ओके या एक्चुअली क्या लोग आँखें डोनेट करते हैं ऐश्वर्या जी ने उनके डेथ के बाद आँखें डोनेट करी है, बहुत सारे लोग किडनी डोनेट करते हैं, कुछ लोग कुछ यू नो बॉडी में से बहुत सारे पार्ट डोनेट करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं क्यों कुछ अलग चीज़ मतलब एक जैसी चीज़ करूँ, तब मैंने सोचा कि मैं अपने बुब्स को डोनेट करूँगी, या आई हैव अ नाइस बुब्स, तो आई थॉट के आई विल डोनेट माई बुब्स, एंड वाई नॉट। देखो बहुत सारी कैंसर ब्रेस्ट इम्प्लांट जो 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 कैंसर पीड़ित औरतें होती है जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो कभी कभी उनको वो ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, आपको शायद पता नहीं होगा बट आप देखिए, तो तब उनका बजट नहीं होता है कि वो ऐसा कुछ करें, क्योंकि हिंदुस्तानी लड़की राखी सावंत ने ऐसा बोला है तो मुझे नहीं लगता इसका कोई हंगामा होना चाहिए। अगर यही बात किसी इंटरनेशनल लेडी ने बोली हुई तो आप लोग बोलते थे वाह वेरी नाइस, बट बिकॉज राखी सावंत ने बोला है तो क्या हुआ, हाँ मैंने आई वॉन्ट टू डोनेट माई बुब्स, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जीएलओ ने अपने हिप्स इम्प्लांट को यू नो इंश्योरेंस कराया है, मैंने अपने बुब्स को इंश्योरेंस कराया है, मैंने अपना पूरा इंश्योरेंस कराया है, तो व्हाई कांट आई।